देखिए जो ये स्पेशल क्लास है, पता ही है हमने जो इलेक्ट्रा बैचेस शुरू किए हैं अभी इलेक्ट्रा चैनल के ऊपर ही स्टार्ट किए हैं, डी एफ सी सी आई एल के लिए, गेट के लिए और HAL के लिए शुरू किए हैं। तो इसके अंदर हमने जो आज है नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ टोटल कट कितने हैं, कैसे लगाने हैं, टाई सेट मैट्रिक्स में कैसे लूप बनेगी कैसे नहीं बनेगी, इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनानी कैसे नहीं बनानी, तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कशन किए। तो ये 7 लेक्चर है, इंपॉर्टेंट है, पक्का देखें। देखो इसका PDF है ना, टेलीग्राम लिंक पे नीचे मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करें या टेलीग्राम लिंक पे हमें पूछ सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पर बताया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं आप नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए अनदर मेथड है एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सोल्व करने के लिए जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, ग्राफ थ्योरी आती है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, नेटवर्क का ग्राफ ऑफ नेटवर्क फाइंड करते हैं, ओरिएंटेटेड ग्राफ फाइंड करते हैं, ट्री ऑफ ग्राफ फाइंड करते हैं, कोट्री फाइंड करते हैं। जो नंबर ऑफ नोड होते हैं किसी भी सर्किट में दिए हुए हों उसका ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ द ब्रांच निकालते हैं। जो नोड है, ये नोड होते हैं, पर्टिकुलर दो ब्रांच जहाँ पर आकर मिलती है वो नोड होता है। तो ये तो नोड हो गए अपने, तो नोड कितने हो गए, 4 नोड हो गए इसमें, और ब्रांच 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ब्रांच कितनी होगी, 6 ब्रांच होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ नेटवर्क ग्राफ ऑफ द नेटवर्क क्या होता है, इसका ग्राफ बनाया है। ग्राफ में क्या कहते हैं, जो इसके एलिमेंट थे कंपोनेंट थे अपने R और C, ये क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इनको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे एक बन जाता है ग्राफ, इसको शॉर्ट करेंगे तो ऐसा ही तो बनेगा, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, यही बन गया ना, बाकी रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर शॉर्ट करने के बाद, ठीक है। तो अपना ये बन गया, अब देखो ये ग्राफ बन गया, सेम बना। इसमें ब्रांच 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ब्रांच थी, ठीक है। नोड कितने थे, 1, 2, 3, 4 नोड थे। तो नंबर ऑफ ब्रांच निकालने का फॉर्मूला है NC2, ठीक है। NC2 कंबिनेशन हम सोल्व करते हैं N × N-1/2, ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, N × N-1/2 नंबर ऑफ द ब्रांच निकालने के लिए। देखिए जो वोल्टेज है, हम वोल्टेज और करंट की फॉर्म में निकालेंगे, तो इसका ओरिएंटेड है, ये फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ है ये। तो इसका जब ट्री बनाएंगे, ट्री बनाते ही हम ध्यान रखेंगे कि ट्री जो है ना, तब माना जाएगा, तब इसके नोड तो सारे कनेक्ट होने चाहिए लेकिन ब्रांच सारी क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्री देखिए, ये ट्री एक ये ऐसा ही तो बना है, नोड तो सारे कनेक्ट हैं लेकिन ब्रांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ट्री बना दिया, ट्री के अंदर जो नहीं कनेक्ट है, ये पार्ट जो डॉटेड दिखा रखा है ये कनेक्ट नहीं है, ये हो गया कोट्री। तो कोट्री और ट्री, ट्री में क्या हो गया, 1, 2 और 6 नंबर, 3 ब्रांच आई हुई है, ठीक है। और कोट्री में कितनी आई है, 3, 4 और 5 नंबर, ये हो गया कोट्री, यार लिंक ट्री बोलते हैं इसको, डॉटेड है ना, लिंक है, तो ये लिंक ट्री हो गया। ट्री के बाद अब देखिए, ट्री बनने के बाद क्या करते हैं हम, इसमें जो फॉर्मूले होते हैं मेन, नंबर ऑफ द ब्रांच निकालने के और लिंक निकालने का, और लिंक को हम बोल सकते हैं लूप भी निकालने का, कोड या लूप निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी सर्किट में। तो जो नंबर ऑफ द ब्रांच निकालने का फॉर्मूला होता है N-1 होता है, और नंबर ऑफ लिंक या लूप निकालने के लिए होता है बी मतलब ब्रांच -N-1। ये जो है नंबर ऑफ ब्रांच KCL इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये KVL इक्वेशन कितनी है। जो नंबर ऑफ डिग्री है, डिग्री ऑफ नोड निकालेंगे, N-1 होता है डिग्री के लिए। जो डिग्री ऑफ कोर्ड होता है इसको रैंक ऑफ ग्राफ कहते हैं, रैंक भी निकालने के लिए, किसी ग्राफ की कितनी रैंक है ये निकालने के लिए N-1 हो जाएगा। कोट्री ईच हैविंग
द सेम डिग्री देन हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए नोड, ठीक है। तो हम हमेशा जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी ना वो देखेंगे, वो अपनी कोटरी होगी, कोटरी की नंबर ऑफ द ट्री है ना, नंबर ऑफ ट्री निकालने के लिए एन की पावर एन माइनस में टू, ठीक है। ये है फुल्ली कनेक्टेड, ओनली फॉर फुल्ली कनेक्टेड के लिए एन इंटू एन माइनस टू, एन की पावर एन माइनस एम टू, इसको याद रखेंगे। नंबर ऑफ ट्री निकालने के लिए डिटरमेंट ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट, डिटरमेंट निकाल लेंगे, जो ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट का डिटरमेंट निकाल लेंगे, ये भी नंबर ऑफ ट्री देगा हमें। पर देखिए फ़र्क क्या है, एन एन की पावर एन माइनस एम टू, इसमें फ़र्क क्या है, ये तो जो डिटरमेंट है, डिटरमेंट अगर ए ए ट्रांसपोर्ट निकालते हैं, ये तो जर्नल ग्राफ के लिए होता है, मतलब फुल्ली कनेक्टेड नहीं है। और ये जो है नंबर ऑफ ट्री एन इंटू एन की पावर माइनस एन माइनस टू जो है, ये फुल्ली कनेक्टेड के लिए है, ये याद रखेंगे, ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था जो हम याद रखेंगे। इसके बाद देखो मेन पॉइंट क्या है, आपने मेन पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ द ब्रांच का ध्यान रखना है। एन सी टू एन इंटू एन माइनस में टू, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो जो नंबर ऑफ ट्री ऑफ ए ग्राफ है वो एन की पावर एन माइनस टू जो फुल्ली कनेक्टेड है, और नंबर ऑफ द लिंक या लूप ब्रांच जिसको नंबर ऑफ के वी लोकेशन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप भी बोलते हैं, लूप बी माइनस एन माइनस वन होता है, नंबर ऑफ टाई सेट भी जो हम आगे पढ़ेंगे, टाई सेट कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल टाई सेट, वो फंडामेंटल टाई सेट भी निकालने के लिए यही है, बी माइनस एन माइनस में वन, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ द ट्री ब्रांच निकालने के लिए एन माइनस वन है, ये के सी एल होता है, नंबर ऑफ के सी एल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिग्री ऑफ नोड ए फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, डिग्री को रैंक, रैंक को एन माइनस वन मैंने बताया था, ये रैंक ऑफ ग्राफ निकालनी हो तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है, ये कनेक्टेड को नहीं करता, ये जनरल ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है एन माइनस में वन। नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज और नंबर ऑफ एफ कट सेट, टाई सेट और कट सेट हम आगे देखेंगे, एफ कट सेट को भी एन माइनस वन रिप्रेजेंट करता है। देखो एक नेट, एक ये देखो नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें नोड कितने हैं, चार नोड है, ब्रांच कितनी है, पांच ब्रांच, एक दो तीन चार पांच, पांच ब्रांच है। अब हम क्या देखते हैं, इसमें इंसिडेंट मैट्रिक्स और रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। देखो हमेशा याद रखना है एक बात, जो भी नोड से लिविंग होगा जा रहा है वो तो हमेशा प्लस में वन होगा, और जो नोड की तरफ आ रहा है, ए नोड की तरफ आ रहा है, वो माइनस वन होगा। इतना सा जरूर ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाएंगे इसके। अब देखिए इंसिडेंट्स बनाते टाइम सबसे पहले क्या है, ये ए है, बी सी डी, ये क्या है अपने नोड हो गए, और ब्रांच एक दो तीन चार पाँच हमने लिख ली, ठीक है, दो चीज़ लिख चुके हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जो, देखो ग्राफ ये ऐसे ही तो था ये, ठीक है, और ये ऐसे था, ये ए बी सी और डी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आ रहा था, ये ए नोड हो गया। अब देखो नोड ए से, अब देखो ब्रांच एक दो तीन चार पाँच, ये ब्रांच थी, ठीक है। अब जो नोड ए है, ए से कौन सी ब्रांच जा रही है, एक तो एक नंबर ब्रांच तो आ रही है, आने वाला मैंने बताया था माइनस लेंगे, तो एक नंबर तो ये आ रही है, ठीक है, तो ये क्या लेंगे, माइनस वन लेंगे इधर तो, ठीक है, ये माइनस वन लिख दिया। दो नंबर से क्या कर रहा है, लिविंग कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन इसकी जाने की डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगी। देखिए बाकी जो ए नोड है इससे बाकी कोई कनेक्ट नहीं है, तो बाकी सब के लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है, पहले समझ में आ रहा है, इसको याद रखेंगे। आने वाला नोड ए की तरफ आने वाला माइनस, और यहाँ से लिविंग जाने वाली डायरेक्शन में प्लस लेंगे, इसलिए नोड यहाँ पर एक पे लिखा हमने प्लस माइनस, और दो पे लिखा है प्लस। इसी तरीके से बी नोड देखेंगे। अब देखो बी के लिए इधर आ जाते हैं, बी नोड में क्या है, दो नंबर आ रहा है, ठीक है, एक दो नंबर आ रहा है, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, मैंने बताया था आने वाला माइनस, उसके बाद देखिए दो के बाद कौन सा आ रहा है, बी के ऊपर चार,
चार तो जाने वाला है, चार से भी आने, चार तो जाने वाला है ना, तो इसमें क्या लेंगे चार से प्लस वन, तो चार पर क्या लिख देंगे प्लस वन, तीन पे तीन वाला देखो तीन तो आ रहा है इसकी तरफ, तीन तो आ रहा है तो माइनस वन लिखेंगे और चार जा रहा है तो तीन हो गए, समझ में आ गए। दो बी नोड से देखिए, एक तो दो आ रहा है, चार जा रहा है, तीन आ रहा है, दो तो आ रहे हैं दो और तीन, इसलिए हमने माइनस ले लिए, और चार नंबर जा रहा है तो इसलिए प्लस में ले लिए, ठीक है। और बाकी सब किसी का बी से कोई कनेक्शन है ही नहीं तो उन पर हम जीरो ले लिए। अब बात करते हैं सी नोड की, देखो सी, सी पे क्या है, ये तो पांच नंबर है, ठीक है, पांच सी के ऊपर पांच नंबर और चार नंबर, ठीक है, पांच नंबर तो देखो जा रहा है सी से, पांच नंबर की डायरेक्शन क्या है जाने की है तो क्या लेंगे प्लस, और चार नंबर क्या है आने की, बाकी सब जीरो तो आने की क्या हो जाएगी माइनस, चार माइनस लेंगे और पांच पे क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो चार पे तो माइनस होगा, पांच पे प्लस वन होगा, बाकी सब जीरो, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हम देखते हैं डी नोड के लिए, ये लास्ट है देखो डी के लिए। अब डी के लिए कौन कौन से, एक तो एक नंबर है, एक तीन नंबर है और एक पांच नंबर है, तीन ही है, बाकी दो तो जीरो हो गए। अब तीन नंबर है, देखो तीन जा रहा है प्लस होगा, एक जा रहा है प्लस होगा, तीन भी जा रहा है, पांच आ रहा है तो माइनस होगा, तो एक तो प्लस हो गया जा रहा है, तीन भी लिविंग है, चार तो कनेक्ट नहीं इसलिए जीरो, पाँच चार भी कनेक्ट नहीं है, दो भी कनेक्ट नहीं है जीरो, तीन नंबर प्लस होगा लेकिन पांच नंबर इसकी तरफ आ रहा है तो माइनस वन, ठीक है, क्लियर हो गया आगे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें आप पूछ सकते हैं, दोबारा भी बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इंसिडेंट मैट्रिक्स बन जाइए, किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे से ज्वाइन कर लें और वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो इंसिडेंट मैट्रिक्स बन गई, इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूस इंसिडेंट। देखिए रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स सेम है, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, जो रिफरेंस, एक रिफरेंस लेंगे, एक नोड जो है मान लो बी नोड था, ये रिफरेंस ले लिया ए बी सी डी, एक रिफरेंस लेंगे, इसमें भी सेम कंसेप्ट है। इसमें देखिए ये तो माइनस हो गया वन पे और इस पे प्लस हो गया, सेम है चार पाँच के लिए, और एक बी नहीं लिखेंगे इसमें, ए सी और डी लिखेंगे, और जो रिफरेंस नोड लेंगे ना वो नहीं लिखेंगे। इसको निकालने के लिए देखो, इसमें एन माइनस वन इंटू बी, ये रो और कॉलम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे एन माइनस में वन इंटू बी, ये हो गया रो और कॉलम, तो एन कितना है चार है अपना, नंबर ऑफ नोड चार माइनस वन थ्री, ब्रांच कितनी है पाँच है, ठीक है, थ्री इंटू फाइव की मैट्रिक्स बनेगी। बी रिफरेंस नोड है वो लिया नहीं, बाकी सेम जो अभी बताया था सेम कंसेप्ट है, जो एक पे आ रहा है, एक से ये आ रहा था, ये तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जा रहा था ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, इसी तरह इनमें जीरो प्लस माइनस, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है और वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ते हैं इसमें एफ कट, जो नंबर ऑफ फंडामेंटल कट, एफ कट, एफ का मतलब फंडामेंटल टाई सेट मैट्रिक्स, ठीक है, एफ कट सेट और टाई सेट दो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ द लूप मैट्रिक्स और एफ फंडामेंटल ब्रांच मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एफ टाई सेट मैट्रिक्स है इसमें हम मेन क्या देखते हैं, लूप देखते हैं। देखो अभी जो बनाया था वही है, सेम ग्राफ है, ठीक है, ये ट्री बना लिया हमने, ये डॉटेड लाइन से हो गया। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर देखेंगे हम, इसके अंदर एक लूप बनाएंगे, ठीक है, इसलिए ये जो लूप है ये एक लूप ये होगी अंदर L1 और एक पूरी बाहर से होगी, ये होगी L2। देखो ट्राई सेट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है, ठीक है, मैट्रिक्स बनाते टाइम दो लूप होगी, कितनी लूप होगी दो, और अपने पास नोड कितने हैं चार, ब्रांच कितनी है पाँच, ठीक है। अब देखो कैसे बनती है मैट्रिक्स, इम्पोर्टेंट क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं। अब मैट्रिक्स बनाने के लिए देखो एक लूप, जो एक लूप अंदर वाली बनी थी ना छोटी L1, और एक बड़ी बनी थी L2, ठीक है, जो लूप है ना वो किस किस मतलब नोड के अंदर आ रही है वो देखेंगे, ठीक है।
कैसे, अब देखिए ऊपर देखिए थोड़ा, जो ये है अब ये लूप है जो L1 है ना, देखो इसकी लूप की डायरेक्शन देखो ऐसे है और इस करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा ये लूप। देखो पहले ये देखना है कहाँ कहाँ से कट हो रही, एक तो एक नंबर ब्रांच से, एक दो नंबर ब्रांच से, ठीक है, और एक चार नंबर ब्रांच से, तीन जगह है, ठीक है, एक दो और चार डायरेक्शन देगी, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है और ये सेम है चार नंबर की, ठीक है, डायरेक्शन देख ली। अब जो सेम है वो तो प्लस लेनी है, जो अपोजिट है वो माइनस लेनी है। अब देखिए एक नंबर से थी वो अपोजिट लूप की डायरेक्शन तो ऐसे थी, लूप की ऐसी थी, और एक नंबर ब्रांच की, एक नंबर लूप की ऐसे थी और एक नंबर ब्रांच की ऐसे थी, अपोजिट थी तो माइनस वन, दो नंबर में भी ऐसा ही था तो भी माइनस वन, ठीक है, और चार नंबर में क्या था सेम डायरेक्शन में थी तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो टची जो उससे अंदर ही नहीं आती थी वो जीरो हो जाएंगी। इसी तरीके से जो बड़ी वाली ब्रांच थी, ये वाली जो इसमें बड़ी वाली ब्रांच थी, इसमें कौन सा एक चार नंबर नहीं आएगा, एक दो तीन नहीं आएगा, तीन चार तीन, तीन ये था, चार ये था, पांच ये था, ठीक है, ठीक है, ऐसे था ये बड़ा था पूरा ऐसे। जो बड़ी वाली ब्रांच है, अब देखिए ये वाली तो माइनस हो गया, पहले भी देख चुके हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थी, ये वाली भी माइनस हो गया, तीन नंबर जो बीच वाली किसी से कनेक्ट नहीं थी तो वहाँ जीरो हो गया, चार नंबर इस बड़ी वाली ब्रांच के तो ये तो सेम डायरेक्शन में थी प्लस हो गया, और ये पांच नंबर जीरो क्योंकि कनेक्ट नहीं थी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड लूप ये क्या हो गया, बड़ी वाली की सेम डायरेक्शन में तो प्लस, ये दो नंबर सेम डायरेक्शन में, तीन नंबर अपोजिट में माइनस वन और ये प्लस वन, ठीक है। देखिए बड़ी वाली ब्रांच देख ले, जो ये बड़ी वाली है ये देखो ये है, अभी एक नंबर ऐसे जा रहा है ये भी ऐसे जा रहा है तो क्या होगा सेम डायरेक्शन में प्लस वन, दो नंबर भी ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है तो प्लस वन, उसके बाद तीन नंबर भी ऐसे जा रही है तो प्लस वन, फिर उसके बाद चार पांच नंबर आ गया, पांच नंबर क्या होगी सेम डायरेक्शन में तो प्लस में वन, ठीक है, और बाकी जो कनेक्ट नहीं हो रही वो सब जीरो हो जाती है। इसी तरीके से ये देखो जो वन था ना, ये लूप वन देगी, ये तो अपोजिट है ना ये दोनों डायरेक्शन, इसलिए माइनस वन आया, दो और तीन के अपोजिट है तो ये माइनस आया, लेकिन चार और इसके साथ लूप के साथ सेम है इसलिए प्लस वन में आया। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा, अगर जो एफ टाई सेट है ये समझ में ना आए तो आप बिल्कुल टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, वहाँ से पूछ लें इसमें पॉइंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रांच ये पता चल गया कैसे लूप, दो लूप बनाते हैं जितनी वो होती लूप बनती है, उसमें दो लूप बनी थी और क्या हो गया ऐसे इसका यहाँ पर वो लिख लेंगे, अपनी ब्रांच लिख देंगे या लूप लिख लेंगे, और लूप के अकॉर्डिंग हम टोटल ब्रांच कहाँ कहाँ से अपनी सेम डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन देखेंगे। इसके बाद देखिए करंट जो है आई वन, जब करंट हम निकालते हैं तो देखिए आई वन आई टू, ये आई वन माइनस में हो गया, आई टू प्लस में हो गया, सेम आई वन आई टू माइनस प्लस सेम, ये माइनस आई टू हो गया, ये प्लस आई वन हो गया, ये प्लस आई टू हो गया, ठीक है। आगे समझ में करंट कैसे निकालते हैं इसमें, और उसमें कट सेट में वोल्टेज निकालेंगे। देखो अब कट सेट आता है, फंडामेंटल कट सेट निकालते हैं, ठीक है। कट सेट में क्या होता है कैसे बनाते हैं, इसमें देखो कट लगाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे कि ब्रांच है कट ऐसे लगाना है, जो कट लगाएंगे हम, जो अपना ट्री बना रखा है, ये ट्री ऐसे बना रखा है जो दो ब्रांच के साथ एक साथ कट नहीं होना चाहिए, जो ब्रांच बनाई है जैसे कि ये ब्रांच होगी ना अपनी, दो बार कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कट लगाने का तरीका यही है, इस ऐसे लगाया डॉटेड लाइन से कट हो सकता है, एक कट ऐसे लगाया कहीं कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, दूसरा कट ऐसे लगाया, तीसरा कट ऐसे लगाया, ठीक है, केवल डॉटेड से कनेक्ट है, बाकी जो मेन ट्री की ब्रांच है ना उससे कनेक्ट नहीं है। और एक ट्री बताया ही थे मैंने, ट्री वो होता है जो क्लोज है वो कम्प्लीटली, देख क्लोज थोड़ी है ये, ऐसे है डॉटेड वाला क्लोज है वो कोट्री है, क्लोज तो ऐसे होता, मैं इसको बंद कर देता तो ये ट्री नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें तीन कट लगा लिया, सी वन कट, सी टू कट
ठीक है, और सी थ्री कट, तीन कट हो गए। अब सी वन कट को देखते हैं, देखो तो कट की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, ब्रांच एक की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस वन, टू जीरो क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है, तीन भी दूर है, इस कट से कोई लेना देना नहीं है, तो भी जीरो है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए चार नंबर और ये सेम डायरेक्शन में प्लस वन, लेकिन जो पाँच नंबर का कट है ना, इसकी डायरेक्शन ये है और कट की डायरेक्शन ये है, इसलिए माइनस वन, ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद देखते हैं हम सी टू कट, सी टू कट की देखते हैं कहाँ कहाँ कट है। अब देखिए दो नंबर ब्रांच पे कट है, चार नंबर पे कट है और पाँच नंबर पे कट है, बाकी सब तो जीरो हो गए, ठीक है। सी टू कट में ये जीरो हो गया, दो नंबर ब्रांच का कट और इसका कट सेम डायरेक्शन में है, प्लस में वन हो गया, तीन नंबर का नहीं है तो जीरो हो गया, चार नंबर का और इसका कट सेम डायरेक्शन में प्लस वन हो गया, लेकिन पाँच नंबर का और कट की डायरेक्शन, ब्रांच की डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए माइनस वन हो गया। अब बात करते हैं थ्री कट तीसरे की, थ्री कट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। अब देखिए ये तीन और पाँच से कनेक्ट है, बाकी सब में तो जीरो है, देखो वन में भी जीरो, दो में भी जीरो, चार में भी जीरो, तीन और पाँच से कनेक्ट है, तो तीन की डायरेक्शन और पाँच की डायरेक्शन ब्रांच की सेम है, तो इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। आगे बात समझो, देखो ये क्यू टी होता है अपना ट्री के लिए और क्यू एल होता है लिंक, जो लिंक वाला है, देखो दो बताया मैंने ट्री, एक लिंक ट्री बताया जिसको कोट्री भी बोलते हैं, ये डॉटेड वाला ये लिंक ट्री हो गया, और ये कंप्लीट कनेक्ट है ये अपना ट्री हो गया, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और कि अब क्या हो गया इसमें कि ये अपना बन गया कट सेट मैट्रिक्स बन चुकी है, कैसे बनाते हैं, इसमें केवल कट लगाते हैं और टाई सेट में लूप बनाते हैं, ठीक है। अब देखो वोल्टेज, वोल्टेज का कैसे कैसे करोगे आप, वोल्टेज में देखिए V1, V2, V3 क्योंकि एक जगह ही है ना, V3 के ऊपर है, इसमें देखो V1, V2 है तो V1, V2 हो गया, इसमें कॉलम वाइज करते हैं, इसमें माइनस में V1, माइनस में V2, प्लस में V3, यही है, आगे समझ में क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें या टेलीग्राम पे, बिल्कुल रिस्पांस दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, टाई सेट और कट सेट मैट्रिक्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो मेन क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, ट्री देखते हैं, टाई सेट कट सेट, यही फंडामेंटल देखते हैं इसमें, ठीक है। देखो एक सर्किट से देखते हैं हम, तो इसमें ये कैपेसिटर ये दिए हुए हैं, ये तो पता ही है शॉर्ट हो जाते हैं अपने सारे, तो इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हो गए, एक दो तीन चार, चार नोड हो गए, ब्रांच कितनी होगी, सात होगी, नंबर ऑफ टाई सेट और कट सेट मैट्रिक्स बताया था, बी माइनस एन माइनस वन, टाई सेट होगी, एन माइनस वन कट सेट होगी, ठीक है। जो ये वोल्टेज हो ना, डिपेंडेंट वोल्टेज हो, ये कंसिडर नहीं किए जाते, ठीक है, इसलिए वो कंसिडर याद रखना ये बात, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया टाई सेट कट सेट, इसके बाद देखेंगे अब नेटवर्क थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यही होगा अपना।